दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे व्लॉग चैनल में। और दोस्तों, फाइनली यार आज की जो वीडियो है ये हमने उस चैनल के बारे में आपको कुछ बताने वाला। हमारे मेन चैनल पर 6K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। और यार इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और आज की जो वीडियो होने वाली है कोई व्लॉग वीडियो नहीं होगी। आज मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब का अभी तक का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो दोस्तों, मुझे YouTube में 2 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो इसके बीच में मुझे जो भी परेशानियां हुई है YouTube में यहाँ तक आने, मुझे क्या क्या हुआ, कितना टाइम लगा, मतलब क्या परेशानियां हुई, सभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। प्लीज़ जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि यार एक खुशी की बात है जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स भी हैं, तो उनके लिए भी ये नॉलेज काम आएगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है उनके लिए पूरा अच्छे से काम आएगा। तो चलिए ऐसे वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, डेली मेरे ब्लॉग के बारे में जानने के लिए, मतलब मैं डेली ब्लॉग इसमें डालता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को भी और घंटी बटन को दबाकर ऑल पर जरूर सेट कर लेना। चलिए ऐसे वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही कमाल की अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की अर्निंग एप्लीकेशन ले आया हूं, जहां पर आप छोटी मोटी प्रेडिक्शन करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम टेक्साल है। फ्रेंड्स, इसमें खेलना बहुत ही आसान है, आपको इसमें छोटी मोटी प्रेडिक्शन करनी होती है। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पर आप एक बार प्रेडिक्शन में पैसे लगाकर उसके 9 टाइम्स तक अर्न कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इसमें 10 रुपीज़ लगाते हो तो आपको 90 रुपीज़ मिल सकते हैं, और अगर आप इसमें 100 रुपीज़ लगाते हो तो अपने 900 रुपये तक अर्न कर सकते हो। दोस्तों, एक बार इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जरूर देखना। और यहाँ पे इसकी विनिंग लिस्ट भी मैं आपको चेक कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें कितने लोगों ने खेला है और विन किया है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे आपको विनिंग लिस्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे लोग खेलकर जीत चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाकर डाउनलोड जरूर कीजिए। दोस्तों, यूट्यूब में मैं आया था आज से 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले ही मैं यूट्यूब में आया था। और मैंने आपको पहले उस चैनल में भी बताया हुआ है इस चीज़ के बारे में, बट कोई देखा नहीं, क्योंकि उस चैनल को कोई जानता ही नहीं है और ना उस चैनल पे कोई जाना चाहता है। तो मैं सोचा जिस चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर है उन्हीं चैनल पे ये सारी चीज़ें शेयर कर दी जाए। तो दोस्तों, मैं 2 साल पहले यूट्यूब में आया था, और सबसे पहले पहले मैं यूट्यूब में प्रोजेक्ट बनाने के लिए ही आया था, जैसे कि आपको मैं बनाकर देता हूँ प्रोजेक्ट वगैरह। तो मैं सोचता था कि यार चलिए प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट मैं बनाता तो था, उस वक्त मेरी वीडियो ही कोई नहीं देखता था। एक न्यू यूट्यूबर को कुछ पता ही नहीं होता कि वीडियो में व्यूज़ कैसे लाने हैं, क्या क्या करना चाहिए कि व्यूज़ आएगा। तो वही 25-26 लोग देखते थे, और आप सभी के साथ ऐसा होता होगा, तो ज़रा ध्यान से सुनना, न्यू यूट्यूबर के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यूट्यूब में आया था ये देख कर कि यार यूट्यूब में पैसे मिलते हैं। यूट्यूब में पैसे कमाने के इरादे से सबसे पहले पहले आया था। तो मैंने 2 महीना काम किया, ठीक है, अब सुनना, 2 महीना मैंने काम किया यूट्यूब में, कोई व्यूज़ नहीं आया, कोई पैसा नहीं मिला। तो मैं सोचा यार पैसे वगैरह तो मिल नहीं रहे, तो मैं चला जाता हूँ, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा यूट्यूब में, फिर मैं छोड़ दिया यूट्यूब। अब मैं पैसे के लिए आया था तो मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया था, 2 महीना काम करके छोड़ दिया था। फिर मैं ऐसे ही 2-3 महीने इसी तरह से घर पर बैठा रहा फालतू में। तो एक बार मेरे दिमाग में आया कि यार चलो यूट्यूब भी करते हैं यार, पैसे मिले ना मिले उससे क्या लेना देना है, ऐसे ही फ़न पर्पज़ के लिए यूट्यूब में काम करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसी दिन से मैंने दोबारा से यूट्यूब में काम करना स्टार्ट किया। और आया था फिर दोबारा, जब मैं आया था तो फ़न पर्पज़ के लिए आया था। मैं ये सोच कर आया था कि चैनल को आगे बढ़ाना है, सिर्फ चैनल को आगे बढ़ाना है, ये सोच कर नहीं आया था कि पैसे कमाने, ठीक है। तो मैं यही सोच के आया था, तो फिर मैं अभी तक आपके सामने काम कर रहा हूँ। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आप यूट्यूब में पैसे को लेकर आते हो ना, कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। 2 महीना काम किया मैंने, चला गया। तो इसी तरह से यार आपको भी इसी तरह से काम करना, पैसे के लिए काम नहीं करना, ठीक है। तो YouTube में जब भी आप आओ ना, तो यार ये सोचकर मत आना कि हम पैसे कमाने के इरादे से जा रहे हैं, नहीं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे, मन नहीं लगेगा आपका ज़रा भी। क्योंकि YouTube में जब तक आप सक्सेस नहीं करते तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप सक्सेस कर रहे हो तो आपको सब कुछ मिलेगा यार, पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा। तो इसलिए आप यही सोच के आओ, इससे अच्छा कि हमें YouTube में सक्सेस करना है, पैसे नहीं कमाने, आप ये मत सोचना कि पैसे कमाने हैं, ठीक है। और बस यही एक एक्सपीरियंस था। और जब मैं शुरुआत में आया, तो जब मैं दूसरी बार आया ना यूट्यूब में, तो मैं प्रोजेक्ट के कैटेगरी को छोड़ दिया। मैं सोचा उसमें शायद कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। और यहाँ से एक और बात आपको समझने को मिलेगा कि मैं प्रोजेक्ट की कैटेगरी को छोड़कर दूसरी कैटेगरी में आ गया, जैसे रोस्टिंग। मैंने जो जो यूट्यूब में देखता था ना, एक न्यू यूट्यूबर का यही इरादा रहता है ना कि चैनल को अगर आगे बढ़ाना तो जो मन में आए वो बनाओ, मतलब कि वो सोचता रहता है, भटकता बहुत है एक न्यू यूट्यूबर यूट्यूब में, और जो भटकता है वही सक्सेस भी करता है, वो मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों, मैं सोचा ना अपनी एक अच्छी कैटेगरी को छोड़ के मैं फालतू कैटेगरी में आ गया। कभी मैं रोस्टिंग करने लग गया, कभी टेक वीडियोस बनाने लग गया,
कभी मैंने यूट्यूब टॉपिक पर वीडियो बनाया, सभी चीज़ों पे एक एक दो दो महीने तक मैंने काम किया, छोड़ता गया, काम किया, छोड़ता गया। किसी में मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, ठीक है, किसी में कोई फ़ायदा नहीं मिला किसी भी कैटेगरी में। तो एक दिन मेरे दिमाग में आया कि यार चलो फिर से जो चीज़ हम यूट्यूब में करने के लिए आए थे ना उसी पर आ जाते हैं। तो मैं फिर से आ गया प्रोजेक्ट की कैटेगरी में। मैं सोचा चलो यार प्रोजेक्ट ही बना लेते हैं। तो जब से प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया ना, तो मैंने सोचा चलो यार एक बड़ा क्रिएटर में समर एक्सपेरिमेंट को देखना स्टार्ट कर दिया। पहले जब पहले पहले मैं यूट्यूब में आया था तब समर एक्सपेरिमेंट भाई को नहीं जानता था। तो मैं सोचा इनकी वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है। और फिर मैंने ना एक वीडियो बनाया समर एक्सपेरिमेंट और धरोना भाई के ऊपर। और उस वीडियो में मतलब इस वक्त तो शायद 9-10 हज़ार व्यूज़ है, उस टाइम उसमें 1 हज़ार व्यूज़ हो गया था। और 1 हज़ार व्यूज़ देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। चाहे इस वक्त हर वीडियो पर 2000-1000 व्यूज़ आ ही जाते हैं नॉर्मली, पर उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश था। तो मैं सोचा यार उसमें इतना व्यूज़ क्यों आया। तो जब मैंने वीडियो के एनालिटिक्स में गया तो मैं देखा यार सभी लोग समर भाई सर्च करें, मतलब समर भाई नहीं समर एक्सपेरिमेंट सभी लोग सर्च करें। तो मैं सोचा क्यों ना बाकी वीडियोस में भी समर भाई का टाइटल लगाया जाए। और तभी से मैं आ गया ना प्रोजेक्ट कैटेगरी पे, और हर प्रोजेक्ट के नीचे समर एक्सपेरिमेंट लिखने लग गया, ठीक है। तो मेरे व्यूज़ आने लग गए, 500-600 व्यूज़ आने लग गए, और आजकल तो 1000-2000 इस तरह से आ जाते हैं। और समर भाई का नाम मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, कभी कभार टाइटल के बीच में आपको दिख जाएगा, बट पहले मैं कोई टाइटल नहीं लिखता था, सिर्फ समर एक्सपेरिमेंट ही लिखता था, क्योंकि मुझे व्यूज़ चाहिए होता था। और एक छोटे यूट्यूबर को व्यूज़ मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें भी मुझे परेशानी होती थी, हालांकि अब कोई भी नहीं कहता ये बात, पर पहले यार बहुत सारे लोग पीछे पड़े हुए थे। वो लोग कहते थे समर भाई का क्यों नाम यूज़ कर रहे हो, समर भाई का नाम यूज़ कर रहे हो, इस तरह से बोलते थे। तो मैं किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था एक छोटा यूट्यूबर है यार, छोटा यूट्यूबर कुछ करने के लिए तो आगे बढ़ेगा ही ना। तो यार आप लोग भी किसी की बात पे कुछ ध्यान मत देना, बस काम करते रहना। अब मुझे कोई भी नहीं बोलता ये बात, कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि सभी को पता है कि एक छोटे यूट्यूबर को सक्सेस करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों यार चलिए आज की वीडियो में इतने था, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना था आप लोगों से कि अभी तक का। और छोटे यूट्यूबर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो लोग अभी मेरी तरह काम कर रहे हैं यूट्यूब में, छोटे क्रिएटर्स हैं, उनके लिए ये एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। हार कभी मत मानना, काम करते रहना बस। तो सभी को थैंक यू, 6000 सब्सक्राइबर के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू। अभी हमें 10K पर जाना है, 10K से फिर 100K पर भी जाना, अभी हमें रुकना नहीं है। YouTube में आए तो कभी भी ये मत सोचना कि हम इसी से संतुष्ट है, YouTube में संतुष्टि की जैसी कोई चीज़ नहीं होती। चाहे कितने भी सब्सक्राइबर मिल जाए, सब्सक्राइबर मांगना यूट्यूबर का हक होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो में मज़ा आया होगा।